वेलकम बैक टू माई चैनल और मेरा नाम है सुषमा। आपका वीडियो होने वाला है स्किन केयर रूटीन पे। और जैसे कि सबके पास सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बट वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करें और किस ऑर्डर में यूज़ करें, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। नेक्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि इसके थ्रू जो पोर्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं और जो टोनर हम इसके बाद यूज़ करेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा हमारे स्किन पे, इसलिए क्लिंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेंटल क्लिंजिंग ड्यूरिंग ए डे एंड स्विचिंग टू डबल क्लिंजिंग एट नाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें रात के समय हमें डबल क्लिंजिंग करनी होती है क्योंकि पहले हमें अपना मेकअप रिमूव करना होता है और फिर हमें माइल्ड फेस वॉश से फेस क्लीन करना होता है। तो आप अगर मेकअप रिमूवर यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ करते हैं, अगर इनकेस आप मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करते और कोई नेचुरल वे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ये कोकोनट ऑयल, ये बेस्ट है स्किन के लिए। तो आप मेकअप रिमूव अगर आपको करना है तो आप इससे कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये बायो ऑयल है, आप बायो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं मेकअप रिमूव के लिए। आप कॉटन पैड में, कॉटन की बॉल्स में आप इसमें एक दो बूंद अगर ऑयल के डालें और रिमूव करेंगे तो आप इजीली रिमूव हो जाएगा, तो ये बेस्ट है। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ। और सेकेंडली आप फेस वॉश के लिए मैंने यूज़ किया है ये हिमालय का, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो अब मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब ये ख़त्म होने वाला है तो अब जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं करूँगी ओजोन का सैंडलवुड फेस वॉश। ये मुझे किसी सैंपल में मिला था छोटा सा पहले, तो मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट फिर मैंने इसका बड़ा वाला मंगाया क्योंकि इसके जो अगर आप देखेंगे ना तो इसमें तो स्क्रब में जो अंदर उसमें एप्रिकॉट्स के पार्टिकल्स होते हैं ना वैसे इसमें सैंडलवुड के पार्टिकल्स हैं। तो देखेंगे ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत जेंटल है, बहुत ही ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसके एक इंग्रेडिएंट्स है सैंडलवुड, एलोवेरा, कुकुम्बर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, तो इसलिए अब मैं ये यूज़ करूँगी। और फेस वॉश आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से लेना चाहिए, वेदर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या फिर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, जैसी भी आपको अपने स्किन के टाइप के हिसाब से ही फेस वॉश चूज़ करना चाहिए और माइल्ड चूज़ करना चाहिए। सेकेंड स्टेप है टोनर। टोनर का जो काम है वो है कि जो हम क्लिंजिंग के बाद जो इम्प्योरिटीज रह जाती है उसे क्लीन करना। और जो टोनर होता है वाटर कंसिस्टेंसी में होता है जो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे। तो जो नेचुरल टोनर आपको अगर चाहिए तो गुलाब जल से बेटर कोई नहीं है, तो आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में और भी टोनर आ रहे हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं गुलाब जल यूज़ करती हूँ तो बेस्ट है जो नेचुरल भी है। तो टोनिंग फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स नो मैटर व्हाट आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, आपको आपकी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है आफ्टर टोनिंग। और जो मैं अभी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है बायोटिक का विटामिन सी, अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, करेक्टिंग एंड ब्राइटनिंग मॉइस्चर ट्रीटमेंट। ये अब जैसे आपको पता है विटामिन सी किस चीज़ के लिए होता है, थोड़ी स्किन लाइटन कलर लाइटिंग करने के लिए और जो डार्क स्पॉट होते हैं कोई पिगमेंटेशन होता है उसे लाइट करने के लिए, तो इसलिए अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट जब लगाते हैं इसे थोड़ा ऑयली टाइप का लगता है मुझे, बट जब एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पर तो ये ऑल सेट हो जाता है, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये। और मेरे पास एक और मॉइस्चराइज़र जो है सेटाफिल का, ये भी बहुत ही अच्छा है, ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन के लिए मैं ये भी यूज़ करती हूँ। तो अल्टरनेटिव डेज में यूज़ करती हूँ जैसे, या फिर कभी मैंने सुबह ये यूज़ कर लिया, रात को ये यूज़ कर लिया, ऐसे कर यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो जब मोस्टली मैं मेकअप लगाती हूँ तो उस टाइम पर मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो ये मैं दोनों यूज़ करती हूँ, आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो जो आपकी स्किन पर सूट करते हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ आपको मॉइस्चराइज करना है आपके फेस को क्योंकि आपकी स्किन इससे आपकी स्किन हाइड्रेट होती है। स्टेप ऑफ सन प्रोटेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी रेज, येस, एंड डस्ट एंड पोल्यूशन। आपको सन प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होती है नो मैटर वॉट कि बाहर वेदर कैसा है, क्लाउडी है या बारिश आ रही है या आप घर के अंदर है, बाहर है, कहीं भी आपको सन प्रोटेक्शन लेना ही लेना है। सनस्क्रीन यूज़ करनी है और SPF मिनिमम 30 होना ही चाहिए।
हमारे स्किन को एक्चुअली बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, तभी हमें एक हेल्दी और ग्रोइंग स्किन मिलेगा अगर हम मेंटेन करके रखेंगे। जो अभी मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ वो है ये फेस गार्ड की, तो ये यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये डॉक्टर ने बोली थी ये लगाने के लिए, क्योंकि तब मेरे में थोड़ी पिगमेंटेशन हो गई थी, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट की थी, तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छी है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आपके फेस में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। और ऐसे नहीं है कि जैसे मोस्टली मैंने जो सनस्क्रीन यूज़ करी है वो पहले होती है तो बहुत ऑयली सी हो जाती है, वैसी इतनी गर्मी होती है और ऊपर से और ऑयली सी लगती है, पर ये बिल्कुल वैसी नहीं है, बहुत ही ड्राई से हो जाते हैं, मतलब वैसे ड्राई नहीं होती है, ड्राई स्किन टाइप की नहीं होती है, पर मतलब बिल्कुल जल्दी आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।